आई एम मुस्कान और आज हम बात करेंगे एफएमएस कॉलेज के बारे में जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। इस वीडियो में हम उसके कॉलेजेस के बारे में, कट ऑफ, प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे एफएमएस कॉलेज के बारे में जो कि एक वेल नोन कॉलेज है, तो मैं आपको इस वीडियो में एफएमएस कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट्स, उसके एडमिशन प्रोसीजर और ये सब बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एफएमएस कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्रोडीमल कॉलेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में लोकेटेड है। ये कॉलेज एक एक प्रीमियम कॉलेज है और इसकी एक ब्रांड क्वालिटी, मतलब इसका जो ब्रांड है वो बहुत ही ह्यूज है। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, इसमें एडमिशन मिलना मतलब आपकी लाइफ एकदम सिक्योर हो जाना। तो कुछ इसका इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, बेसिकली जो इसका इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स है वो है हमारा MBA जो कि ये फुल टाइम ऑफर करता है। इसका फुल टाइम ऑफर करने का यही रीज़न है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड है। बेसिकली बाकी कॉलेज से डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये लोग डिग्री देते हैं, बाकी लोग डिप्लोमा देते हैं, तो ये डिग्री यहाँ से मिलती है जस्ट बिकॉज ये एफिलेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल में 50% मार्क्स भी इसमें चलेंगे और 45% फॉर OBC, PWD और CW और पासिंग मार्क्स चाहिए SC ST वालों को। तो इसमें इतनी ज़्यादा नंबर आपको ग्रेजुएशन लेवल पर भी नहीं चाहिए। साथ में जो लोग बैचलर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन दे रहे हैं अपने बैचलर्स डिग्री का ग्रेजुएशन लेवल में, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे CAT स्कोर वाले ही एक्सेप्टेड होते हैं, यहाँ पे कोई गेट ZAT वाले एग्जाम्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ CAT एग्जाम वाले ही स्कोर एक्सेप्टेबल है। सीट मैट्रिक्स में देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी, बेसिकली जनरल कैटेगरी है, उसके लिए सीट 101 है। SC के लिए 37 है, ST के लिए 15 है, OBC के लिए 69 एंड PWD, CW और ये FS विच इज़ फॉरेन स्टूडेंट्स, इनके लिए 10 ईच है। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँ और EWS के लिए यार 25 सीट्स हैं। और फॉरेन स्टूडेंट्स बेसिकली जो 10 ईच इनके लिए सीट्स है, ये लोग GMAT के थ्रू भी अप्लाई चाहे तो कर सकते हैं अप्लाई। और ये एक बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है, इसमें सीट्स ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं होगी, लिमिटेड सीट्स है जस्ट बिकॉज इट्स अ प्रीमियम कॉलेज। तो जस्ट मतलब इतनी अच्छे से मेहनत करिए कि जस्ट आपको सीट मिल सके। है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपके स्कोर्स CAT बेसिस पे देखे जाते हैं। जो आपका CAT स्कोर है उसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए जाते हैं उनके लिए फिर उनको GD, PI और एक्सटेम्पोर यहाँ पे होता है। जो इन तीनों राउंड में क्लियर कर देता है उनको फाइनल सिलेक्शन इसमें सीट मिल जाती है। अब कुछ मेरिट लिस्ट जो इस कॉलेज की है, बेसिकली ये CAT स्कोर के अंदर इनको 60% मार्क्स CAT स्कोर आपकी वेटेज रखता है। 10th मार्क्स के आपके 5% वेटेज है, 12th मार्क्स की 5% वेटेज है एंड ग्रुप डिस्कशन की 10% वेटेज है। एक्सटेम्पोर 5% एंड पर्सनल इंटरव्यू 15%। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओवरऑल हाइएस्ट वेटेज जो गई है वो CAT स्कोर को गई है। देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द पार्ट ऑफ दिस एडमिशन, कि आपको सेलेक्ट अपनी सीट को कैसे रिजर्व करनी है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपने पर्सनल इंटरव्यू अच्छे से दें, बेस्ट दें। और CAT स्कोर जो 60% कैरी करता है वो दो पार्ट में बाइफर्केटेड है, जैसे कि QA कॉन्ट्स बेसिकली, और वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और DI और LR 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर की, फीस यहाँ पे अब जाके चेंज हो गई है, पहले इतनी ज़्यादा फीस नहीं थी, इट वॉज लेस देन 50,000 बट नाउ फीस फॉर द MBA फुल टाइम ऑब्वियसली इज 2 लाख अराउंड। तो फीस चाहे ज़्यादा हो बट यहाँ का जो रिप्लेसमेंट ROI आपको बेसिकली मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई। तो प्लेसमेंट जो अगर ओवरऑल इसमें 200 स्टूडेंट्स ही मतलब इनकी जो सीट्स ये जो टोटल होती है वो 200 स्टूडेंट्स के आसपास होती है। उसमें से एवरेज सैलरी अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट के अंडर होते हो तो उनकी एवरेज सैलरी भी 26 लाख पर एनम है। और हाईएस्ट डोमेस्टिक CTC विच इज़ कॉस्ट टू द कंपनी विच इज़ 54 लाख पर एनम एंड CTC फॉर मेन इज़ 20.90 लाख पर एनम एंड एवरेज CTC फॉर वेमेन इज़ 22.60 लाख पर एनम। तो ओवरऑल द कॉलेज इज़ बेस्ट। आप ट्राई करिए कि आपको इस कॉलेज में ऑब्वियसली सीट मिल जाए जस्ट बिकॉज ये एक बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। Secure your seat, try hard, work hard, and last thing I would like to say is जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, लोग काफ़ी पूछते हैं, तो आपको स्कोर इसमें एटलीस्ट मोर देन 130 स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए। तो सीट जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट, अच्छे से प्रिपरेशन करना। ओवरऑल द कॉलेज इज़ बेस्ट, लोग काफ़ी इसमें चाहते हैं एडमिशन मिलना, सीट सिक्योर करना। सो ऑल द बेस्ट।